नमस्कार दोस्तों, अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में है और आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं परंतु इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पास नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं है यानी अभी तक आपको नहीं मिला है, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे एक्टिवेट करना है, यानी आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद नेट बैंकिंग का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्रिएट या रीसेट लॉगिन पासवर्ड दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पूछे जाने वाले डिटेल को ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको यूजर आईडी भरना है, इसे कस्टमर आईडी भी बोला जाता है। अगर आपको यह पता नहीं है तो इसे आप बैंक पासबुक में देख सकते हैं। यूजर आईडी फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और इसके बाद आपको अपना यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप रिटेल यूजर हैं तो रिटेल यूजर सिलेक्ट करना है, वहीं अगर कॉरपोरेट यूजर है तो कॉरपोरेट यूजर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है और उसके बाद अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है, यानी अपने आप को वेरीफाई कराना है। इसके लिए आप पैन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर या डेबिट कार्ड नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पैन नंबर फिल करना है। वहीं अगर पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो पासपोर्ट नंबर को सिलेक्ट करना है और पासपोर्ट नंबर को फिल करना होगा। वहीं अगर आप आधार नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा और आधार नंबर फिल करना होगा। इन केस अगर आप डेबिट कार्ड नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और डेबिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डिटेल देना होगा। अगर आप डेबिट ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट 5 डेबिट ट्रांजैक्शन में से किसी एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट यहां फिल करना होगा। वैसे ही अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको लास्ट 5 क्रेडिट ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट यहां फिल करना होगा और आधार नंबर सिलेक्ट करके आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा और यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है और उसी पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल वेरीफाई करना है। अगर दिया हुआ डिटेल सही है तो आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, यानी नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। इसे आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको केनरा बैंक के नेट बैंकिंग के होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी फिल करना है और इसके बाद आपको नया वाला पासवर्ड टाइप करना है जो अभी आपने सेट किया, और इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है केनरा बैंक के नेट बैंकिंग के पासवर्ड कैसे रीसेट करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।